कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्राफ कभी भी जाएगा तो एकदम सीधा लाइन ही जाएगा, यानी कि एक सरल रेखा बनेगा। क्या बनेगा? सरल रेखा बनेगा। लेकिन सरल रेखा तो बनेगा, ये चीज तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कब बना था? जब एक समीकरण था। क्या था? एक समीकरण था तो एक सरल रेखा बनेगा, लेकिन इसमें हम लोगों को दो समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दो समीकरण पढ़ना है। तो सब जब हम एक और समीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता है कि इसमें एक और सरल रेखा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? जब दो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो दो सरल रेखा बनेगी। इतना तो बात समझ में आ रहा है। जब दो सरल रेखा बनेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बने। क्यों दो सरल रेखा बनेगा? क्योंकि हमने बताया था कि एक चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें दो चर वाले रैखिक की जो बात करते हैं, तो जब भी रैखिक की बात करते हैं तो रैखिक का मतलब क्या होता है? उसमें एक सरल रेखा बनेगी। क्या बनेगी? सरल रेखा बनेगी। तो इसमें हम लोग जब दो, इसमें एक चीज और पढ़े थे कि युग्म क्या होता है। युग्म, युग्म का मतलब दो होगा। और जब दो होगा, दो सरल, जब दो रैखिक समीकरण होगा तो दो सरल रेखा भी बनेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि सरल रेखा सीधा सीधा ही बने। हो सकता है आपका सरल रेखा इस तरीके से बन जाए, एक दूसरे कट करते हुए। हो सकता है? नहीं हो सकता है कि आपका सरल रेखा ऐसा बन जाए, हो जाए। हो सकता है कि सरल रेखा एक दूसरे के ऊपर ही बन जाए। क्या बन जाए? एक दूसरे के ऊपर ही बन जाए, इस तरीके से बन जाए, ठीक है। इस तरीके से बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता। तो आपको इस तरीके से हो सकता है, बाकी तो दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये तो कट करेगा, नहीं तो बराबर है, एक दूसरे के ऊपर आएगा, तीनों कंडीशन हो सकता है। तो अगर हम इस तरीके से ग्राफ अगर कटता है, इसको क्या बोलते हम लोग? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। समांतर से मतलब क्या है? समान अंतर। समान अंतर का मतलब बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये क्या है? समान है, इसलिए इसको समांतर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती। संपाती का मतलब होता है क्या है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब चढ़ती है तो क्या बोलते हो? संपाती। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक दृष्टि देखिएगा इसको, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो यहाँ पे एक बिंदु पे मिल रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, संगत तो हो रहा है। अरे संगत तो हो रहा है ना, इसको बोलेंगे, एक चीज और नाम दे सकते हम लोग, संगत रेखा। क्या बोल सकते हम लोग? यहाँ पे कहीं मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है ना, इसको बोलेंगे, ये संगत भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसमें देखिएगा, संगत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसको भी क्या बोल देंगे हम लोग? संगत बोल देंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब एक पॉइंट मिलेगा, आपकी बात और मेरी बात अगर एक एक, मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की हो, या फिर दो दोस्तें हो सकता है, या दो लड़की दोस्त हो सकती है, जब उसका एक बात मिलती है तो उसका एक काम बन सकता है। नहीं, मैंने, मुझे मान लीजिए एक बात कह रहा है, हम लोग दोस्त आप गए हैं घूमने के लिए, नहीं दोनों गए घूमने के लिए, तो किसी को पिज्जा पसंद है और एक आदमी कह रहा है कि हम पिज्जा नहीं खाएंगे, तो बर्गर खाएगा, कुछ भी खा सकता है, दूसरा चीज ना, बर्गर खा सकता है। अगर आगे बढ़ा तुम दोनों, तो दोनों के पसंद है कि चाउमीन हमको पसंद है, क्या है? इसको भी चाउमीन पसंद है और इसको भी चाउमीन पसंद है। बाकी कहीं गया लो तो किसी को मान लीजिए गुपचुप पसंद है, तो किसी को कुछ पसंद है, कहीं कुछ नहीं बन रहा, एक जगह लोग बात बन रहा है, तो एक जगह लोग का बात बन, एक हल तो लोग निकला, बाकी सब तो हल नहीं निकल रहा है ना। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है तो कितना हल बनेगा इसका? एक हल होगा। तो इसको लिख देंगे केवल केवल एक एक हल। इतना बात समझ में आया? अच्छा, जब यहाँ पे लोग का बीजा बर्गर गुपचुप मतलब मिठाई कुछ भी, अगर कहीं पे लोग का बात नहीं मिलता, यहाँ पे चाउमीन की जगह पे मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं मोमोस, लिख देते हैं जो भी हो,
मोमोस होता है ना, मोमो मोमो नहीं होता है वो चीज है। तो ये लोग को कहीं बात नहीं मिले, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है, तो काम नहीं बन रहा है, तो कोई हल नहीं निकलेगा नहीं? तो ये यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, कोई हल नहीं। इतना बात समझ में होगा, क्योंकि देखो सपोज एक मान लेते हैं, एक बात एग्जाम्पल के लेते हैं, ये एक दोनों अगर मियाँ बीबी अगर कहीं जाए, कहीं भी जाता है पार्टी मनाने, और बीबी कहती है कि हमको बिरयानी खाना है, तो पति कहता नहीं हमको रस वाला खाना है, तो कम्बिनेशन नहीं ना बैठेगा, तो ये कुछ और पसंद, यानी कि दोनों की बात अगर बनती है तो ज्यादा काम मिलता है। अगर मान लीजिए कि लवरिया वाला शादी होगा तो सहमति बनेगा, क्योंकि पहले से पता रहता है उसको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है कि नहीं। तो यहाँ पे जब संपाति रेखा बनेगा तो संपाति का मतलब क्या होता है, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, कुछ एक ऐसे अनेक हल होगा, क्योंकि ये लवरिया वाला ब्याह है, लवरिया के का मतलब एक दूसरे के बारे में, लवरिया का मतलब ये होता है ना कि प्यार मोहब्बत वाला ब्याह, जैसे उसको देखी लेके भाग गई, तो मतलब ऐसा होता है। तो दोनों को क्या हुआ ना, दोनों को बातें जो है बात में बात मिल रहा है, जो उसको पसंद है, जो उसको पसंद है कि नहीं। तो जब दोनों को जो चीजें पसंद है तो बात बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देखिएगा जो इसको पसंद है वो इसको पसंद है, तभी ना ब्याह हुआ है सबका। तो इसमें क्या बनेगा, अनेक हल होगा, यानी कि हर एक पॉइंट पॉइंट मिल रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिलेगा उतना ज्यादा हल निकलेगा, उतना लड़ाई पिट कम होगा, झाड़ू से पिटाई कम करना पड़ेगा, है ना अतर ही। हाँ चले जो भी, इतने बात समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन इसमें एक शर्त और होता है, इसमें एक शर्त और होता है, ये शर्त क्या होता है, जैसे कि आप लोग समझ गए कि कब क्या हल बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि जो सरल रेखा जो मतलब बनेगा, जो समीकरण बनेगा, तो समीकरण का भी कुछ नाम होता होगा। तो जैसे है कि हम लोगों ने क्या किया, ए वन जैसे मान लीजिए ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, एक की समीकरण बन जाएगा, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दूसरा का समीकरण बन सकता है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि पहले का है कि दूसरा का है, इसके लिए काम करना पड़ेगा। ये इसको हम समीकरण जब वन मानते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं, टू मानते हैं, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी, ऐसा तो पहचान सकते हैं हम लोग, पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम एक रिलेशन बनाते हैं कि कैसे रिलेशन बनेगा, तो कैसे बात बन जाती है, ठीक है। जैसे कि हम एक ऐसे लिख सकते हैं कि ए वन बट्टा में क्या हो सकता है, ए टू बराबर बी वन बट्टा में बी टू बराबर सी वन बट्टा में। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर हाल में सब बराबर होगा, मैंने जब समीकरण आप लोगों को पढ़ाया था तो समीकरण में कुछ अलग अलग बना के दिखाया था, जैसे कि एग्जांपल पे तो आप यहाँ ले लीजिएगा 2x प्लस 3y प्लस 5, यहाँ पे हम ले सकते हैं 7x माइनस 5y प्लस 3, मैं ऐसा ले सकते हैं। तो देखिएगा ये दोनों बराबर हो रहा है, कहीं एक दूसरे का बराबर हो रहा है, बराबर नहीं हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बराबर नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है तीनों बराबर हो जाते हैं। अब आगे एग्जांपल करके हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमको तीन स्टेज गुजरना है, मान लीजिए ये लड़का जो है यहाँ पे एक लड़की है, एग्जाम्पल समझिएगा, इसको ये लड़का ये पाना चाहता है, इसको क्या करना चाहता है, पाना चाहता है कि मतलब उड़ा ले जाएगा। अब ये तीन दरवाजे के अंदर बंद है, तीन दरवाजे के अंदर बंद है। तो अब बताइए बेचारा को एक यही से कटिस मिल गया, अभी एक ही दरवाजा क्रॉस नहीं कर पाया तो क्या करेगा, कुछ होगा उसका काम बनेगा, अखड़ के मर जाएगा बेचारा। उम्मीद, लेकिन एक बात समझिए, उम्मीद में आके बैठे रहेगा कि कभी तो निकलेगी, उसको पता नहीं ना चल रहा है कि दरवाजा खुला है कि बंद है। तो जब इस तरीके का काम बनता है ना, जब फर्स्ट में दरवाजा बंद है तो समझ लीजिएगा कि केवल आपका एक हल है, वो मर जाना। केवल एक हल है कि मर जाना। अब तो दरवाजा के अंदर बंद, दरवाजा फर्स्ट दरवाजा नहीं खुला तो मरना ही पड़ेगा आपको, ऐसा त्याग देना पड़ेगा। तो यानी कि जब फर्स्ट में दरवाजा बंद है तो फर्स्ट में दरवाजा बंद है तो क्या करना पड़ेगा, इसका केवल एक ही हल है, आगे नहीं लिखे, एक ही हल है, मरना हल नहीं, एक ही हल है, ठीक है, समझ गया ना। चलिए अब क्या है,
कि बंदा यहां से आया, यहां पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो सकता है नहीं दिख रहा है। दूसरा क्या है कि अब यहां पे समझिएगा कि ए वन बटा में ए टू बराबर बी वन बटा में बी टू बराबर सी वन बटा में सी टू। अब एक चीज समझिएगा यहां पे, ये बंदा यहां से निकल करके यहां पे इसको पहुंचना है तो आपको पता ही है, ये बंदा ये दरवाजा क्रॉस कर गया और यहां से अब बस ये दरवाजा क्रॉस करा के मिल गई, पता समझ रहे ना। तो अब ये बताइएगा, इसको पता था कि तीन दरवाजा हमको हिलना है, दो दरवाजा हिलना है, एक तो क्रॉस कर गए हैं, एक ही ना हिलना है, तो उम्मीद में बैठा रहेगा चला कभी तो खुलेगा, सुसाइड करेगा नहीं करेगा ना, यानी कि ना मरेगा ना जाएगा, वहीं पे बैठ के इंतजार करेगा। तो यानी कि कोई हल नहीं निकल रहा है, ना मर रहा है और ना जा पा रहा है, कोई हल निकल रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा है। तो यानी कि लास्ट में क्या होगा, अगर लास्ट वाला बराबर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई हल नहीं है, ये तो मर भी नहीं जाएगा, कहीं मरे कहीं आ जाए, भैया मान लिया पी लिए भाई एक दरवाजा तो हिलना है, या फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा बेचारा वो, ठीक है। अब समझ रहे हैं आप लोग। दूसरी चीज क्या है कि ए वन बटा में ए टू बराबर बी वन बटा में बी टू बराबर सी वन बटा में सी टू। तो यहां पे कोई हल नहीं निकला, यहां पे एक हल था कि मर जाना, दूसरा हल कोई नहीं निकले, ना मर पा रहा ना पीछे जा पा रहा है कि पीछे जाए कहीं आ जाए, मर जाए तो भी कहीं आ जाए, मैंने बहुत सारी चीजें, और रोजिया बहुत अच्छा से सुन रही है इस चीज को, ठीक है। हाँ चलो, और ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, ये अब बताइए इसके लिए कितना बाहर का काम है कि सब दरवाजा इसका खुला है, इसको लेगा अब फुर दे उड़ जाएगा लेके उड़ जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे कितने हल बनेंगे, अनेक हल मिल जाएगा। क्यों दरवाजा खुला है, दरवाजा क्यों खुला है, तो उसके भी घर वाले राजी हैं, इसके भी घर वाले राजी हैं, सारा हल तो निकल गया, तो वही चीज है इसका अनेक हल होगा कि कब क्या रहेगा तो कौन सा हल होगा, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब अगला हम लोग को क्या करना है कि कुछ किस किस टाइप का, किस किस तरीके का इसमें हम लोग को सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो हम लोग को जो जब समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण को हल करने के लिए मुख्यतः तीन रूप होते हैं, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि और अवधिगुणन विधि, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम पूरे चैप्टर का समरी आपको बता दे रहे हैं, पूरे चैप्टर का समरी जो पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है हम आपको बता दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करा देंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे तो जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बट मोटा मोटी सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। यहां देखिएगा कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, बात समझिएगा, यानी कि ये बात से समझ में आ रहा है प्रतिस्थापन, इसको अगर आप बात कर दें तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा प्रतिस्थापन, ठीक है। और विधि का मतलब यहाँ पे आप फिर से लिख दे रहे हैं तो बात समझिएगा, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, होता है प्रति व्यक्ति पांच रुपया, प्रति पेन पांच रुपया, जो कुछ भी होता है, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, स्थान स्थापन का मतलब होता है भेजना, क्या होता है नहीं ऐसा होता है स्थापन करना यानी कि ट्रांसफर कर देना इसको, और विधि का मतलब क्या होता है तरीका, क्या होता है तरीका। तो तरीका का मतलब क्या, किसी चीज को भेजने का एक दूसरा तरीका होता है, हर चीज का करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई खाना बनाता है तो उसका अलग तरीका है, किसी का खाना बनाने का अलग तरीका है, बनाता तो खाना ही है बस तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दाल चावल भुजिया बनाना है तो कोई अलग अलग डिश करेगा, बट हाँ कोई बैठा हुआ बना देता है तो कोई पसा के बनाता है, हैं, कोई दाल कुकर में बनाता है तो कोई रह के बनाता है, होता है कि नहीं होता है। कोई भुजिया पतला काटता है, कोई फट्टा करके काट देता है, कोई पानी डाल के गलाता है, कोई तिल डाल के गलाता है, तो एक हर चीज का एक खाना तो बना रहा है लेकिन हल बनाने का तरीका क्या है अलग अलग। उसी तरीके से हमको विस्थापन को भी इसको हल करना है, समीकरण का हल करना है लेकिन विधि क्या है अलग अलग। तो उसी तरीके से प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि हम लोग को किसी का स्थानांतरण करना है यानी कि किसी को ट्रांसफर कर देना है। तो मतलब यहां से फिर से अब एक चीज और समझिएगा, जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया 2x + 3y बराबर मान लीजिए 5 हो, एक समीकरण हमारा ये हो गया, और दूसरा समीकरण
पहले एक ही समीकरण को हल करके देख लेते हैं, चाहे यहाँ पे एक और ले लीजिए, चलिए मान लीजिए हमारे हमने ले लिया यहाँ पे 5x और 5x 2y बराबर मान लीजिए इस तरीके से हमने ले लिया 7, ठीक है 7 ले लिया, तो हमारे पास अभी समीकरण कितने हो गए 2, क्योंकि दो बिना दो समीकरण का हमारा युग्म बनेगा ही नहीं, और जब तक युग्म नहीं बनेगा तब तक हम हल कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपके पास सारा मटेरियल हो, गैस खत्म हो तो खाना नहीं बन पाएगा, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से सारा चीज हो, इसके पास अगर दो समीकरण ना हो तो हल नहीं होगा। तो इसको प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, हम लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से का मतलब क्या है 3y बराबर क्या आ गया 5। तो आपको आप किसी एक को एक साइड में रख लीजिए, किसी भी एक को, वाई वाले को भी रख सकते हैं और एक्स वाले को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि यहां पर हमने ले लिया 2x को रख लिया इधर, क्योंकि हम लोग एक्स को रखते हैं तो ज्यादा सही लगता है, और ये जो प्लस में है ना इसको क्या करेंगे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, यानी स्थानांतरण कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे, ठीक है। या फिर एक तरीका, एक एग्जांपल और थोड़ा सा समझ ले, हो सकता है कि समझ में आ जाए, कि एक चीज मान लीजिए यहाँ पे मार्कर है और ये एक मार्कर है, ठीक है, दो मार्कर दिख रहे आपको, हमने क्या किया इस मार्कर को उठा के यहां रख दिया, इस मार्कर को उठा के यहां रख दिया, तो प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं, दोनों का ट्रांसफर से हुआ, दोनों का जगह चेंज हुआ, तो जब दोनों का जो चेंज होगा जगह उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है, बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 5 है, ये प्लस में है तो उधर क्या करेगा माइनस हो जाएगा 3y। आपको वैल्यू यहाँ पे किसका निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स को यहाँ रख लीजिए और 5 माइनस 3y बटा में, अगर ये गुना में है इधर क्या करेगा भाग करेगा, इसको समीकरण 3 आप मान लिखिएगा। कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया ना, तो एक्स का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे ऐसे हल कर सकते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 आपका यहाँ पे है कि नहीं समझे, तो समीकरण 2 यहाँ पे है, तो आप लिख सकते हैं कि 5x प्लस 2y बराबर 7। तो ये तो 5 है लेकिन x के जगह हम टोटल वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x के बराबर है। मतलब क्या है, एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पे आपके पास एक 100 रुपए का नोट है, इस तरीके से एक 100 रुपए का नोट है, और मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का नोट है, इस लड़की के पास 100 रुपए का नोट है, मान लीजिए ये रोजी है, ठीक है, और ये एक लड़की यहाँ पे है, मान लीजिए कि ये हो गई आपको आसिया हुए, ठीक है, मान लीजिए तो इसके पास थोड़ा सा कंजूस टाइप आदमी है, इसके पास मान लीजिए एक हो गया 50 रुपए का नोट, ठीक है, और एक हो गया इसके पास क्या खुदरा कर रखी है, एक 20 रुपए का नोट हो गया, ठीक है, फिर एक और हो जाएगा मान लीजिए एक 20 रुपए का नोट हो गया, फिर यहाँ पे चाहे यहाँ पे 10-10 का ले लीजिए, चाहे यहाँ अब यहाँ देखिएगा कितना हो गया 10 का नोट हो गया। तो अब ये जो है ना, ये टोटल इसका वैल्यू कितना हो गया 100 ही हुआ, इसका वैल्यू कितना हो गया 100, दोनों का वैल्यू तो सेम है कि नहीं, लेकिन इसके पास कै गो नोट है, एक गो, लेकिन इसके पास नोट कै गो है 4, तो नोट कितना भी बड़ा हो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वैल्यू तो दोनों का बराबर ही है, क्योंकि 100 के बराबर ये है। तो आप 100 रुपए भी ले सकती हैं, और चाहे ये उठा के खुद रुपए दे दे तो आपका काम नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। तो उसी तरीके से मेरा कहने का अर्थ क्या है, ये एक्स है ना, तो ये खुदरा में तो नहीं एक्स के बराबर ही है, लेकिन बीच में बराबर का साइन है, तो का मतलब है ये इसके बराबर क्या है, ये दोनों है, जैसे यानी कि 100 रुपए के बराबर बराबर का साइन का मतलब क्या हुआ, ये 100 रुपए के वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, हमने नीचे करके इधर जाते तो हो सकता है कि आपको नहीं दिखता, ठीक है। तो एक्स के वैल्यू के बराबर कितना है, 5 - 3y बटा में 2, तो हम यहां लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 - 3y बटा में 2, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 2y बराबर 7। तो अब इसको आप हल करिएगा ना, तो y का वैल्यू निकल जाएगा ना, और फिर y को वैल्यू उसमें लगा के पुट कर दीजिएगा। तो यानी कि ये जो तरीका हुआ, किसी एक को ट्रांसफर करना, सिर्फ x को एक साइड में करना, ये टोटल प्रोसेस जो हुआ ना, इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। क्या हुआ, प्रतिस्थापन विधि। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, जो आएगा आंसर आएगा। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 प्लस माइनस 5 15 बटा में 2,
ये कितना आ जाएगा 2y बटा में 1 बराबर 7। इसको क्या करेंगे देखिएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, हो जाएगा 25 माइनस 15y क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए तो 25 तो 25 रह जाएगा, ठीक है, 15 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 11y, ठीक है, बट्टा में 2, 7 क्रॉस गुना करा देंगे तो 25 माइनस 11y बराबर कितना हो जाएगा 14, 7 दूना 14, तो माइनस का 11y बराबर 14, इधर प्लस में तो क्या करेगा माइनस कर देगा, 11y बराबर क्या होगा 5 में 4 गया तो 1, 2 में से गया तो 1, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है कि नहीं, समझ रहे ना, तो यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 11 बटा में 11, 11 से 11 कट गया, y का वैल्यू क्या निकल गया 1, अब y का वैल्यू 1 निकल गया ना, अब x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान, ठीक है, समीकरण 3 क्या है x बराबर 5 माइनस 3y बटा में 2, तो 5 और माइनस 3 क्या है 3 तो 3 लिख देंगे, y का वैल्यू कितना आया है 1 बटा में 2, तो 5 में यहाँ 5 रहने दीजिए, 3 में 1 से गुना कीजिए कितना जाएगा 3, 3 बटा 2, 5 में से 3 गया तो 2, कितना गया 1, x का वैल्यू आ गया। तो आपको पूरे समीकरण में क्या कहेगा, या तो x का वैल्यू निकालिए और नहीं तो किसका वैल्यू निकालिए y का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो हमने देखिए कि इस विधि से हमने x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, तो ये टोटल जो विधि हुआ ना इसी विधि का नाम क्या है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, उठा लीजिए विलोपन विधि, क्या होता है विलोपन विधि, ठीक है। तो यानी कि विलोपन विधि का मतलब ये हुआ आपका, ठीक है ना, यहां देखिएगा विलोपन विधि, विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी चीज को विलुप्त कर देना, विलुप्त कर देना मतलब खत्म कर देना, जैसे मान लीजिए आदित्य का शादी हुआ, एक लड़की आई, आदित्य का शादी हुआ और एक लड़की आई, अब थोड़ा सा खुरपाती किस्म की थी और हाँ लड़कियां कुछ खुरपाती किस्म की थी और इसको किसी और से ये था, समझ रहे ना आप लोग, हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, किसी और से इसका अफेयर था, इसको बाप माँ इसको शादी कर दिया, ये भी खुरपाती थी, अब सोचा कि साला क्या करें, इसको मार के काट के साले के सेफ्टी में डाल देते, हाँ आदित्य अब का के इसको मार के काट के सेफ्टी में डाल दिए, तो यानी क्या किया उसको, उसका जीवन खत्म हो गया, यानी अब दुनिया में फिर दोबारा दिखेगी नहीं दिखेगी, यानी विलुप्त हो गई, बात समझे ना, तो किसी चीज को एकदम हमेशा के लिए खत्म कर देना यानी कि विलुप्त खत्म हो जाना। जैसे एक चीज कहिएगा कि हम लोग के तो नहीं देखे हैं लेकिन हमारे पूर्वज या फिर मोबाइल वगैरह में हम लोग देखते हैं कि डायनासोर होते थे, डायनासोर विलुप्त हो गया, अब दिखता है नहीं दिखता है ना, यानी कि खत्म हो गया। जैसे कि गिद्ध वगैरह है, गिद्ध पहले होता था सब बड़ा बड़ा होता था, अभी भी कहीं कहीं है, पहले में ज्यादा अमाउंट में रहता था अभी कम अमाउंट में है, अभी बाघ पहले ज्यादा अमाउंट में रहता था धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, सब खत्म होते जा रहा है, बाहर से मंगा के डाला जा रहा है, यानी कि विलुप्त होना मतलब खत्म होना, यानी उसका वैल्यू जब खत्म होना यानी कि कोई चीज अगर विलुप्त हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बात समझ में है, यानी उसको विलुप्त कर देना है किसी कीमत में, चाहे अगर नहीं होना, अब मान लीजिए कि इतना आसानी से थोड़ी मरेगी, चाकू तलवार लेके आएगा साले को काट कूट करेगा, चाहे मैंने जिस तरीके से काटे लेकिन काटेगा उसी तरीके से चाहे जिस तरीके से मारना पड़े, नट्टी काप के मारे, चाहे बंदूक से मारे, चाहे छुड़ा से मारे, मारेगा विलुप्त कर देगा, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग ये सीरियस में मत करना यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश, मतलब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा, ठीक। आगे देखिएगा कहने का क्या, इसको किसी एक को विलुप्त आपको करना है चाहे जैसे भी करना पड़े, ठीक है। अब कैसे विलुप्त होगा देख लेते हैं, ठीक। यहाँ देखिएगा जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं, विलुप्त करना मतलब समझ गया ना, किसी को खत्म कर देना, उसका नाम निशान मिटा देना, जब नाम निशान मिट जाएगा तो उसके जगह पर क्या बचेगा जीरो बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। उसी तरीके से हमारे पास समीकरण क्या है,
2x 3y बराबर 5, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक और समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 7। अब इसमें से आपको y वाले को मारना है कि x वाले को मारना है, ये आप सोच लीजिए। जिसको चाहे आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को मार सकते हैं, x y मारना है, x और y को मारना है, किसको मारना है, x को मारना है। बात समझिएगा, ये लड़कियों का इशारा किधर है, तुम्हारे तरफ, कि x को मारना है। आप लोगों को मैंने बता दिया था x मरे चाहे y मरे, मरेगी तो लड़की, क्योंकि चार अचर पढ़ाए थे, चार अचर पढ़ाए थे। अरे पूरा पूरे गर्व से कह रही है कि लड़का एक्स को गाड़ी, एक्स को गाड़ी, एक्स मरे वाई मरे, मरेगी तो लड़की है ना। थोड़ी इस चीज को आइए समझिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को कर देंगे, जिसे मान लीजिए हमको इसको करना है, क्या इसको करना है, किसी को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक वाई वाले को काटना है तो क्या करेंगे, देखिए बता रहे हैं, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं, ये बराबर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, संख्या को आपको बराबर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देख लीजिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे दो है और यहाँ पे प्लस का दो है तो कितना हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का दो है और माइनस का दो है, क्या हो जाएगा, माइनस का चार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का चार। अगर यहाँ देखिएगा प्लस का दो है माइनस का दो है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। या माइनस का दो है प्लस का दो है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो। तो अब देखिएगा संख्या बराबर है और इसका जो साइन है, साइन जो है वो बदला है, अलग अलग है ना, तो बदला है। तो जब भी अगर वैल्यू एक हो और साइन अलग अलग हो, प्लस और माइनस हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जी। पहला तो समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है। दूसरा करना क्या पड़ेगा ये भी समझिए आपको, ये तो आ गया समझ में। अब करना क्या पड़ेगा, देखिए यहां पे क्या लिखा है, दो, यहां पे क्या लिखा है, तीन। तो अगर हम इसको, अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम तीन से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब समझिएगा क्या कहने का अर्थ मेरा। तो यहाँ पे समीकरण लिख लीजिए, समीकरण एक में दो से और समीकरण दो में तीन से, इसको नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले में। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो अब इसको हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, दो दुना चार और तीन दुना छ वाई और पांच दुना, चलिए यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, पांच हैं तीन दुना और ये कितना हो जाएगा, सत्र का। करने का मतलब क्या है कि इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिएगा सब का साइन क्या है, प्लस का है कि नहीं, सब प्लस का है, तो अगर प्लस का साइन है तो घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं ऊपर समीकरण एक में, आप लिख सकते हैं नहीं समीकरण एक में दो से, समीकरण एक में दो से तथा समीकरण दो में तीन से गुना करके घटाने पर, क्या लिखेगा, घटाने पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुना करके आप लिख दीजिए तो घटाइएगा, क्यों घटाइएगा, क्योंकि दोनों सबका है, प्लस है तभी ना घटेगा। देखिएगा ये अगर हमको काटना था, क्या बोले थे कि एक वाई वाले वैल्यू को हमको किसी हाल में खत्म कर देना है, तो देखिएगा यहाँ पे दोनों संख्या बराबर है कि नहीं, आएगा साइन अलग अलग है कि नहीं है, तो जब साइन अलग अलग है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना बात समझ में आया, समझा। चलिए अब 21 में से जब 11 10 घटाइएगा कितना जाएगा, माइनस 1, इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखे, नहीं है तो कुछ तो बचा ही है ये नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 15 में से जब 4 घटाइएगा कितना बचेगा, माइनस का, तो ये इसको खत्म कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, चलो लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे माइनस करो प्लस करो कोई फायदा है नहीं, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 11x और माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया, 11 बट्टा में 11, यानी कि एक आ गया आंसर। यानी अब x का वैल्यू पहले भी एक आया था और अभी भी x का वैल्यू कितना आया, एक आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बदलाव तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब यहां से एक चीज और समझिएगा कि अब ये जो वैल्यू आया है x का, तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, समीकरण एक में चाहे समीकरण दो में, आप किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
समीकरण एक में है ना x का मान रखने पर, ठीक है, हमने क्या किया समीकरण एक में x का मान रख दिया, तो समीकरण एक क्या है 2x 3y = 5, तो 2 तो हो गया और x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, एक निकाले हैं, एक हो गया प्लस का 3y = 5, 2 में x से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3y = 5, तो 3y ये 5, ये बिना भी x का है या बिना कोई इसके साथ कोई अचर तो कोई चर तो नहीं है, नहीं तो उधर जाएगा जाएगा, तो यहाँ पे जब आके इसमें 2 घटेगा तो 3y = क्या हो जाएगा, सॉरी यानी कि 5 में से 2 गया तो 3, तो y = 3/3, y = क्या आ गया 3।